लिबरल टीवी लोकां दी आवाज लोकां लई। अमरीका दे इंडियाना राज दे विच शरेआम गोलियां चलाईयां गईयां ने, वड्डी खबर सामने आ रही है। फेडएक्स फैसिलिटी दे विच शरेआम गोलीबारी की गई है एक व्यक्ति वल्लों, जिस दे विच कुल 8 व्यक्तियां दी मौत होण दी गल सामने आ रही है। सो इस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र सिर्फ ते सिर्फ 19 साल दसी जा रही है, उसने शरेआम आके अन्नेवाह गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां। US दे इंडियाना काउंटी दी फेडएक्स गोदाउन दे विच, फेडएक्स फैसिलिटी दे विच उसने आके शरेआम गोलीबारी की, जिस दे विच कुल 8 लोग मौत के घाट उतार दिता गया इस शख्स के वलों, जिस दे विचों 4 अमरीकी सिख भाईचारे के दसे जा रहे हैं। दस दिए इस शख्स का नाम ब्रैंडन स्कॉट हॉल दसया जा रहा है, जिसने इस कातिलाना घटना अंजाम दिता है। शुक्रवार देर रात को इस घटना अंजाम दिता गया। गौर करने वाली गल यह है कि इस मंदभागी इस कातिलाना घटना अंजाम देने तो बाद ब्रैंडन स्कॉट ने खुद को गोली मार के आत्महत्या भी कर ली। शुक्रवार देर रात को अमरीका दे विच, US दे इंडियाना दे विच ब्रैंडन स्कॉट हॉल, जो कि इंडियाना दे ही वासी ने, 19 साल इस शख्स ने अन्नेवाह गोलियां चलाईया फेडएक्स फैसिलिटी दे विच, जिस दे विच कुल 8 लोगों को मौत दे घाट उतारिया गया। शरेआम गोलीबारी तो बाद 8 लोग मारे गए, जिस दे विच 4 अमरीकी सिख भाईचारे दे दसे जा रहे हैं। सो मृतक होशियारपुर के पिंड के नाल भी नाता रखते हैं। दस दिए कि हुण तक 4 अमरीकी सिख भाईचारे के मृतक सामने आए ने, 8 लोगों की कुल मौत हुई है, तो होर भी 5 लोग जख्मी हुए हैं। दस दिए कि जिस फैसिलिटी के शरेआम गोलीबारी की गई, अन्नेवाह गोलियां चलाईया गई ने, इस 90% कर्मचारी जड़े ने अमरीकी सिख भाईचारे के ने। इंडियाना दे विच रहिंदे वसदे सिख भाईचारे के लोग इस 90% काम करते हैं। सो लोगों वल्लों कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बिल्कुल हेट क्राइम सी, यानी कि नसलवादी हमला सी, जिस दे विच सिख भाईचारे नूं निशाना बनाया गया एक फिरकावादी वल्लों। इस 19 साल नौजवान का नाम, कातिल का नाम दस्या जा रहा ब्रैंडन स्कॉट हॉल, जिसने इस घटना अंजाम देने तो बाद खुद को गोली मारी तो आत्महत्या भी कर ली। हुण इस सारे मसले के उत्ते अमरीकी सिख भाईचारे के रोस भी है, तो सोग के डुब चुकया सिख भाईचारा इस वेले, क्योंकि कुल 4 मौत अमरीकी सिख भाईचारे के सामने आईया ने। उधर ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन वालों भी बयान जारी करके इस घटना के उत्ते सोग जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि शर्म वाली गल है इस तरह की घटना हुई, गां तो इस चीज़ तक ध्यान रखा जाएगा, अजिहे लोगों लब के उन्होंने इस घटना अंजाम देने तो पहला फड़न की कोशिश की जाएगी। उधर ही वाइस प्रेजिडेंट कमला हैरिस ने भी इस घटना उत्ते सोग जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अजिहियां घटना अमरीका वर्गे मुल्क नूं शर्मसार करदियां ने, ते असी पूरी कोशिश करांगे कि अगे तो अजिही घटना कदे भी सामने ना आवे। उधर ही उन्होंने मृतक लोगों की शांति वास्ते भी दुआ भी की। उधर ही इंडियाना दे विच वसदे सिख भाईचारे के मुखी गुरिंदर सिंह खालसा ने भी बयान जारी करके कहा कि अमरीका पूरे विश्व भर के दुनिया के सब तो ताकतवर मुल्क है, पर जदों अजिही घटना होंदी है तो सच सामने आ जाता है, शर्मसार कर दिंदा है दुनिया के सब तो वड्डे ताकतवर मुल्क नूं भी। अमरीका की गल की है गुरिंदर सिंह खालसा ने, उन्होंने कहा क्योंकि सिख एक खास पहरावे दे नाल चलते हैं, एक खास लुक दे नाल चलते हैं, पगधारी होंदे ने, केसधारी होंदे ने, जिस दे कारण उन्हां दी पहचान सौखी हो जाती है। तो कुछ फिरकावादी लोग जिहड़े ने उह हेट क्राइम नूं, यानी कि नसलवादी जिहड़े कातिल घटनावां नूं इहनां नूं अंजाम दिंदे ने, ते इहनां घटनावां दे उत्ते बहुत ज़्यादा दुख हुंदा है। अजिहियां घटनावां नहीं होणियां चाहीदियां, क्योंकि ये अमरीका दी ते मानव जाति दी शान दे खिलाफ़ ने। सो यह बयान दिता है गुरिंदर सिंह खालसा ने, जो कि इंडियाना दे विच, US दे इंडियाना दे विच अमरीकी सिख भाईचारे के मुखी ने। दस दिए कि US दे इंडियाना दे विच फेडएक्स फैसिलिटी दे विच शरेआम गोलीबारी की गई है, जिस दे विच कुल 8 लोगों की मौत हुई है, जिन्हां दे विचों 4 अमरीकी सिख भाईचारे के दसे जा रहे हैं। सो लगातार अजिहियां घटना सामने आदियां रहिंदियां ने। इस तो पहला भी अमरीका दे विच खास करके नसलवादी कातिल हमले दीयां घटनावां सामने आदियां रहिंदियां ने। अगे भी दस दिए कि रेसिज़म दे इल्ज़ाम लगते रहिंदे ने। इस तो पहला भी अमरीका दे विच एक गोरे पुलिस अफसर वल्लों एक काले व्यक्ति की ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੱਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸਕੌਟ ਹੌਲ ਨਾਮ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸੀ ਸੀ,
सो कमेंटां दे विच अपने विचार दिओ इस मंदभागी घटना दे उत्ते। देश विदेश दीआं होर खबरां देखण वास्ते इसे तरह जुड़े रहो लिबरल टीवी पंजाबी दे नाल। लोकां दी आवाज़ लोकां लई। लिबरल टीवी पंजाबी।